दोस्तों, क्रिकेट की किसी भी टीम को चलाने के लिए उसका अपना एक अलग बोर्ड होता है। क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके अंडर में ही सब कुछ होता है। टीम के खर्चे से लेकर टीम की कमाई तक और किसी भी खिलाड़ी के बारे में अंतिम फैसला सिर्फ बोर्ड का ही होता है। अगर बोर्ड चाहे तो किसी को भी बाहर कर सकता है और अगर वह चाहे तो किसी को भी अंदर ले सकता है। विश्व क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हुए जिनके संबंध बोर्ड के साथ काफी अच्छे रहे और उन्होंने अपने बोर्ड से खूब मदद भी ली। लेकिन वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हुए जिनके बोर्ड के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे और क्योंकि बोर्ड सबसे बड़ा अधिकारी होता है तो उन्हें नापसंद करता चला गया और आखिरकार उनका करियर ही खत्म हो गया। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में जिनके करियर का दुश्मन उनका अपना देश ही बन गया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शोएब अख्तर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमेशा से ही तेज गेंदबाजों का वर्चस्व रहा। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी में कई दिग्गज नाम क्रिकेट जगत में आए। इन तमाम तेज गेंदबाजों की बात करें तो रफ्तार के सौदागर शोएब अख्तर का नाम काफी बड़ा रहा। पाकिस्तानी नहीं, शोएब अख्तर का नाम तो विश्व क्रिकेट में बहुत बड़ा रहा। अख्तर ने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान की टीम के लिए लंबे समय तक सेवाएं दी। अख्तर की गेंदबाजी ने ही उन्हें खास बनाया, लेकिन वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के निशाने पर अख्तर हमेशा रहे। शोएब अख्तर की विश्वसनीयता पर पीसीबी हमेशा सवाल उठाती रही। पीसीबी के साथ अख्तर का सालों से विवाद रहा जो खत्म नहीं हो पाया। यानी पाक बोर्ड ने तो अख्तर का कभी साथ ही नहीं दिया तो वहीं उसे दुश्मन जैसा मानने लगे। केविन पीटरसन। इंग्लैंड क्रिकेट के खेल का जन्मदाता माना जाता है। इस टीम की बात करें तो यहाँ से कई महान खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया। इंग्लैंड के महान खिलाड़ियों में बल्लेबाजों पर नजर डाले तो इनमें केविन पीटरसन का नाम कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और कप्तान पीटरसन का जबरदस्त वर्चस्व रहा। पीटरसन ने अपने खेल से हर फॉर्मेट में काबिलियत हासिल की। इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन इनको कभी बोर्ड का साथ नहीं मिला। केविन पीटरसन को उनके करियर में बोर्ड ने हर बार गलत ठहराया। साल 2010 के बाद पीटरसन के सोशल मीडिया के पोस्ट ने ईसीबी का दुश्मन बना दिया। ईसीबी ने इसके बाद इसका साथ नहीं दिया और 2013 के एसएज के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया। ड्वेन ब्रावो। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और उनके बोर्ड के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का शुरू से ही अपने बोर्ड से पंगा रहा। इसमें कई बार तो बड़े खिलाड़ियों के साथ भी बोर्ड ने दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। ऐसे खिलाड़ियों की बात करें तो एक प्रमुख नाम स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो का आता है। ब्रावो वेस्टइंडीज टीम के लिए तीनों ही फॉर्मेट में खेल चुके हैं। वो T20 क्रिकेट के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। ब्रावो दुनिया भर की T20 क्रिकेट लीग खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन बात जब वेस्टइंडीज की आती है तो उन्हें कई बार नजरअंदाज किया जाता रहा। ब्रावो को अपने पूरे करियर में कभी बोर्ड ने साथ नहीं दिया और इसी कारण से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे। उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग एक बहुत ही महान बल्लेबाज रहे। पॉन्टिंग के जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस्मान ख्वाजा को उनका सही उत्तराधिकारी माना जा रहा था। ख्वाजा ने अपने घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया और टीम के लिए दावा ठोकते रहे। ख्वाजा को अपने पूरे करियर में कभी लगातार मौका नहीं मिला। उस्मान के पास अभी तो काफी क्रिकेट बची हुई है। ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के लिए करीब 9 साल की क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक तो केवल 95 मैच ही खेलने का मौका मिला। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा को हमेशा ही बलि का बकरा बनाया। उन्हें अभी भी बोर्ड का सपोर्ट नहीं मिल रहा। अंबाती रायडू। भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे। भारत के अंडर-19 क्रिकेट से हर बार कुछ ऐसे सितारे मिलते जिनकी काबिलियत अलग ही दिखाई देती थी। इसी तरह से भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान रहे रायडू में भी प्रतिभा देखी गई जो बहुत ही खास थी। रायडू इसके बाद लगातार भारतीय और घरेलू क्रिकेट में छाप छोड़ते रहे। रायडू को बड़ा बल्लेबाज माना जाता रहा था। वैसे 2013 के बाद उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला, लेकिन कभी भी टीम में निरंतर नहीं रह सके। रायडू ने आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर 2018 में टीम में वापसी की। उनका विश्व कप 2019 खेलना तय दिख रहा था, लेकिन फिर से बोर्ड ने अनदेखी कर विश्व कप में शामिल नहीं किया। इसके बाद रायडू ने निराशा में संन्यास ले लिया था। हालांकि उन्होंने अपने संन्यास का फैसला अब वापस ले लिया है।